Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। जसपुरा क्षेत्र की खराब बिजली व्यवस्था से आक्रोशित किसानों ने शनिवार को पैलानी डेरा में धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। पूर्व विधायक दलजीत सिंह भी किसानों के इस आंदोलन में शामिल हुए। पैलानी SDM ने मौके पर पहुंचकर निर्बाध बिजली आपूर्ति का भरोसा देकर आंदोलन समाप्त कराया। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि इसके बाद भी बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं होता तो वह 10,000 किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर चक्का जाम करेंगे। गौरतलब है कि जसपुरा क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसान न तो अपने फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं और न ही गेहूं की बुआई के लिए पलेवा कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले इन लोगों ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को सुबह से पैलानी डेरा में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। किसानों के आंदोलन की जानकारी पाकर पूर्व विधायक दलजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो गए। मौके पर पहुंचे पैलानी SDM ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया और 18 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने का भरोसा किया। पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने कहा कि यदि विद्युत समस्या में सुधार नहीं हुआ तो 10,000 किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर चक्का जाम करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक के मीडिया प्रभारी अनिल कुमार समेत क्षेत्र के सैकड़ों किसान व विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग मौजूद रहे। क्या था मामला आप लोगों का, आज यहाँ पर जाम किए थे आप लोग? आप लोगों को भी विदित है कि लगभग 2 सालों से जसपुरा रात में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कितनी खराब है। क्षेत्र का किसान जब सिंचाई का समय आता है, पलेवा का समय आता है, बेचारा सिंचाई के लिए तरसता है। बिजली विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से इस मुद्दे पर लेकर हम लोगों ने, आपको पता है कि पिछले साल से लगाकर इस साल लगातार हम लोग मांग कर रहे थे किसानों के साथ में। जिले के जो भी उच्चाधिकारी हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, सबको हमने लिखित में शिकायतें दिया था कि हमारे क्षेत्रवासियों को कम से कम 20 घंटे लाइट दी जाए अभी सिंचाई के समय। लेकिन बीच में तो ये कंडीशन हो गई थी कि यहाँ पर 3 दिन पूरे ब्लॉक को अंधेरे में रहना पड़ा था। इन सब कंडीशनों को देखते हुए क्षेत्र का किसान बहुत ही आक्रोशित था। आज हम लोगों की जो योजना थी, सभी किसानों के साथ बैठक हुई थी परसों और थी कि आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो भी अधिकारी आएंगे उनसे लिखित में मिलेंगे। आज हम लोग जो मांगे थी, बिंदुवार मांगे थी, पहली मांग थी कि क्षेत्र के किसानों को शासन आदेश के अनुसार कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए। दूसरी मांग थी क्षेत्र के जो भ्रष्टाचारी जूनियर इंजीनियर का तबादला तुरंत किया जाए। तीसरी मांग थी ट्यूबवेल धारकों के यहाँ जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनको तुरंत हटाया जाए या जो लग गए हैं उनको हटाया जाए। क्या मांग थी? मांग थी हमारी जो लोकल स्टाफ है जसपुरा का, काना खेड़ा का, उनको अदला बदली की जाए हर 6 महीने में रोटेशन के तहत। क्या हुआ? एक्शन महोदय, विद्युत तहसीलदार महोदय पहलानी और CO सर, तीनों लोगों ने आज कहा है कि आज से 14 घंटे हम लाइट देंगे, 12 से 14 घंटे लाइट पूरे ब्लॉक में हर मीटर पे, और इसके बाद में जेई को हम हटा देंगे सोमवार तक, और जो स्टाफ है स्टाफ का रोटेशन के तहत। मांगे ना पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांगे ना पूरी हुई तो किसानों से बात हुई है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज तो सब किसान यहाँ पर, आज जो भी आए थे पूर्व प्रतिनिधि आए थे, वर्तमान प्रतिनिधि आए थे, 10 तारीख का यही आंदोलन होगा। विधायक के आश्वासन क्या मिला? आश्वासन जो है जी 15 तारीख से 10 से 15 के बीच में 20 घंटे और अभी 12 से 14 घंटा आज से। अगर मांगी ना पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांगे ना पूरी हुई तो दोबारा जो है 10,000 किसान इकट्ठा करेंगे, चाहे साधन बाधन हमी को लगाना पड़े, हाथ जोड़ के घूम घूम के इकट्ठा करेंगे।